गौरव क्या हाल है भाई तेरे? रे अने खाली तू आज कैसा आना हुआ? अरे मैं ताऊ कृष्ण पाल गया जा रहा, मगर तेरे से भी मिल लूं। अच्छा कुछ बात बात होगी क्या? अरे मेरे पास एक लोंडिया का रिश्ता आया, ताऊ कृष्ण पाल का भी लोंडा आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ उस लोंडिया का इस लोंडे के तार ही जुड़वा दो। ओए सुन, तार तो जुड़वा रहा हूँ दोनों का, तार से जुड़वाइए, अगर तार गलत जुड़ गए ना तो उन दोनों की पूरी जिंदगी में धमाका होता रहेगा। रे यार गौरव तो ऐसी बात कर रहा, तेरी नजर में कोई लोंडा तो बता दे। यार मेरी नजर में लोंडा हाँ उलझन दास जी है, उनका लड़का है उलझन दास, उससे रिश्ता करवा देते हैं। ओ भैया दो जुड़वा हाथ, हम ना कर रहे साला, वो तो पागल है, बोलने की तमीज है ना उसमें। पूरे यार वो इतना बुरा भी ना यार, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, तू एक दो दिन में फटाफट लड़की वाले ने बुला। एक दो दिन का कोई चक्कर ना, आज बुला रहा, शाम को दहेज दे में ना एक साड़ी सुविधा करेंगे। अरे भैया सुन, लड़के वाले ने दहेज चाहिए भी ना, तो शाम को लड़के वाले ने बुला और मैं जाकर उलझन दास प्रोफेसर जाके बात कर गाऊँ। जाओ और सुन करा क्या है वो? अरे दस स्कूल हो, बस 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 बस, अरे सुन अरे सुन, मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया समझ गया, ठीक है चल, दस स्कूलों का मालिक है ना, ठीक है चल। अरे फूफा राम राम। अरे गौरव तू आ बैठ। राम राम। और सुना सब ठीक ठाक है घर पे? हाँ सब ठीक ठाक है, तुम्हारी दुआ से। ना 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 हमारी कोई दुआ ना होगी, हमारे घर की खुद स्थिति खराब है, हम क्या तुझे दुआ देंगे भाई? अरे फूफा रहो गए तुम टंपुई। अच्छा मैं कह रहा हूँ अपने लड़के के लिए रिश्ता ले लो। क्या मैंने ले लिया रिश्ता बिश्ता? ऐसे ठीक है हम। अरे यार फूफा देख लो यार, बहुत बढ़िया रिश्ता है। रिश्ता से तू पहले बहुत बढ़िया लाया ना। क्यों बढ़िया ना यार रिश्ता? तुम्हारे लोंडे की वजह से भाग गए, मेरे सत्रह में तमीज तो है ना बोलने की, वरना 5 करोड़ की गाड़ी और कट्टा भर के 16 दिलवा रहा मैं तुम्हें। हाँ चल ठीक है ले लूंगा रिश्ता, पहले नौबत दहेज में क्या क्या दे पेंगे? फूफा दहेज की तो ऐसी बात है, दहेज तो वो देवे ना, दहेज की तो उन्होंने कर दी साहब मैंने, ठीक है। और मैंने भी बिचौलिए से नुकह दिया है कि लड़के वाले इनको बस लड़की से मतलब है, दहेज वहेज से मतलब ना, दहेज जो ना चाहिए भी ना लड़के वाले ने, मैंने तो नुकह दी बिचौलिए से। यो क्या बात हुई भाई, तुझे पता मैं बिना दहेज के रिश्ता न लेता हूँ, चाहे मेरा लोंडा फूटता हो जावे। चल निकल मैं ले रिश्ता विश्ता। यार फूफा रह गए तुम लूली, बूढ़े हो जाओगे पर तुम्हें कभी बुद्धि ना आवे। ए भाई तू मुझे ऐसे कैसे कह रहा? यार फूफा तुम बिना उल्टी बात ही करो, हर लड़की वाला नहीं क्या है, मैं अपनी लड़की को एक ही साड़ी में विदा करूंगा, बस तुम एक काम करियो, तुम जो ना उनके सामने अपनी कोई डिमांड मत रखियो दहेज की, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मैं तो दहेज में इतना दिलवाऊंगा खूब भर भर के, करोड़पति आदमी हो करोड़पति। अरे कितना करोड़पति आदमी है पता तो सही? यू मान लो 10 स्कूलों का मालिक है वो, 10 स्कूलों का। अजी हाँ 10 स्कूलों का मालिक, फिर तो रिश्ता मेरे यही होना चाहिए, फिर मेरे पड़ोस के जो बालक है ना उन्हीं के स्कूल में जा करेंगे, पैसे भी ना लेकर वो। हाँ सही कह रहे हो, और सुनो सुलझन दास को समझा दियो रिश्तेदार के सामने प्यार से और तभी जो बात करे, कभी पहले की तरह कुछ गड़बड़ कर दे, ठीक है ना, समझा दियो आज ही जाके। सही कह रहा तू, पहले उसे ही समझाऊंगा, चल निकल ले अब तू। हाँ जाता रहूं, ठीक है जा लियो उसे। हाँ 10 स्कूलों का मालिक, अपने लोंडे का रिश्ता होते ही 2 स्कूल अपनी तरफ करवा लूंगा समधी जी से। चल उसको समझाओ अपने लोंडे को। अरे बेटा सुलझन दास। हाँ क्या है, क्यों गेट फाड़ रहे हो? एक तो प्यार से बोल रहा हूँ, ऊपर से नू कह रहा क्यों गेट फाड़ रहे हो? मेरे समझ में आती प्यार प्यार की भाषा, काम बताओ काम क्या, मेरे पे इतने टाइम ना। शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं, दही मत लगेंगे को। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें और कुछ काम ना, रिश्ते वाले आ रहे हैं। आने में चप्पल फेर दूंगा, कभी बुलाओ फालतू, शाम को टाइम से आ जाइए। आ जाओ यहाँ से, आ जाऊंगा शाम को। और सुन
थोड़ा तमीज में रह लिए, पिछली बार की तरह मत कर दिए वरना जान से मार दूंगा। 10 स्कूलों का मालिक है वो। 10 स्कूलों का मालिक है तो सिर पे चढ़ेगा साले, मैं दो मारूंगा उसमें। फिर फालतू बोल रहा है तू, जो बोल रहा अभी बोल ले, उनके सामने प्यार से और मुस्कुरा के बात करनी है। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। हाँ जाता रहूं, पर ध्यान रखिए प्यार से और मुस्कुरा के बात करनी है। हाँ ठीक है, कर लूँ प्यार से बात। अब तुम जा रहे हो, छोड़ का हूँ तुम्हें। हाँ चला जाऊंगा, जरूरत ना तेरी। हाँ ठीक है, निकलो अब यहाँ से। रिश्तेदार जी, ये है उलझन दास, ये है लड़के के पापा। इरे पता हमें, ज्यादा एड मत बोल, ले क्लास पर कुछ जरूर तो बता दियो, साइड में बैठा हूँ। ठीक है। ले अरे उलझन दास जी, ये लड़की के पापा और ये लड़की का छोटा वाला भैया। तू भी ज्यादा नवाब मत ना मने, बैठ रहा बैठ जा, नहीं निकल यहाँ से। मंत्री अभी तो रिश्ता न हुआ जब इतने इतरा रहे हो, चुप बैठ जा चुप। कैचू से हाँ जी, और बताओ सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक है, आप बताओ आपके घर में सब ठीक ठाक है? हमारे घर में सब ठीक ही रहे में, क्योंकि हमने रुद्राक्ष की माला जो टांग रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और सुनाओ। बस सुनाना क्या है, ऐसे तो हमने कुछ याद वाद कराना है, तमी सुना दो। अजी हम क्या सुनावे, चलो ठीक है आप अपने लड़के को बुलाओ। अच्छा ठीक है, चलो बुला रहा हूँ। अरे बेटा सुलझन दास आइए जरा। हाँ पापा, ज्यादा जल्दी मत ना करो। हाँ जल्दी आ जा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेहमान के पैसे मारी हमने, जब कह रहा हूँ आ रहा हूँ अभी। ये तुम्हारे लौंडा ऐसे कैसे बोल रहा है हमें? अयो हमारा ना है, पड़ोसी का बोल रहा होएगा, हमारा ऐसा किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता। अरे फूफा तुम्हारा इधर लौंडा है, मुझे ऐसा लगा तुम्हारी तबीयत खराब रहती दिख है, तुम्हारा इधर लौंडा बोल रहा है। रिश्तेदार जी। हाँ जी, यू गौरव सही कह रहा, यू नहीं का लौंडा। क्या हाँ जी, ऐसी खाऊंगा। राम राम जी सबको मेरी तरफ से। राम राम। राम कहाँ भाई तू इतनी देर से, क्या कर रहा नीचे? तुम क्या ले हो, मैं कुछ भी करूं? थोड़ा तमीज में बोल ले, भाई समझाया मैंने तू। पापा तुम एक बात बताओ, तुमने नू तो कही मेहमानों से तमीज में बोलना, तुमने नू तो कही मेरे से तमीज में बोलना, तुम रहोगे लूली। हाँ चल ठीक है, मेरी भी इज्जत है, मेरे को भी इज्जत देकर। हाँ देख ली तुम्हारी इज्जत। अरे क्यों बहस कर रहे हो आपस में, और बताओ घर में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे घर में कैसे? हाँ जी सब ठीक है, तुम्हारी दुआ से। हमारी दुआ से तुम लोग बढ़िया हो, जो हम दुआ न देंगे ना तुम्हारा सारा का सारा खानदान रोड पर आ जाएगा। ये सोच रहे चुप हो जा चुप, तमीज में बात कर ले, अन्ना चप्पल फेर दूँ अभी तेरे में। है तुम्हारे में तो मार के दिखाइया, तुम्हारी एक मिनट में फिर अग्नि बना दूंगा। अरे छोड़ो क्यों लड़ रहे हो आपस में, बेटा तुम बताओ आगे जिंदगी में क्या करोगे? कुछ भी करूँगा, किसी की रिश्तेदारी में जाके ना तुम्हारे जैसे जैसे तुम सवाल कर रहे हो ना ऐसे सवाल न करूँगा। हाँ जी यू क्या बात हुई, हमारे यहाँ पे यही बात हो। तेरे गुहरे फूल क्या तेरा, एक रैपट में तेरी आंख बाहर निकाल दूँ।
देगा क्या चुप बैठा? हाँ जी पूछो, क्या पूछना? हाँ जी, पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है आपने? अजी जितना तुम भी ना पढ़े। ये तो बता दो कौन सी क्लास में हो? अजी दूसरी में हूँ, तीसरी में आऊंगा। अब तुझे शर्म ना रही होगी बताते हुए? तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना बैठो, तुम्हें जो नुकून मिलेगा कि तुम्हारा कक्कल तोड़ दो ढंग से ही। अजी रिश्तेदार जी, तुम्हारा लौंडा तो तुम्हारे बक्कल तान नहीं कह रहा, अगर हमने कुछ कह दी तो हमारे क्या हाल करेगा? अजी तुम क्यों डर रहे हो? ये तो बाप बेटे इनका प्यार है, ये बस मुझे कह वे। तुमको कुछ ना कहने का, तुमसे तो प्यार से बात करेगा। अजी बाप बेटा का कैसा प्यार है, मेरी तो समझ से बाहर है। बेटा मत बोलना तू, बाहर मिल तेरा बाहर बक्कल तार मां, बाहर मिली है तू। अरे सारी बात छोड़ो, अब तुम मेन मुद्दे पाओ। हाँ जी आगे मेन मुद्दे पे बताओ। हाँ जी ये बताओ काम क्या करते हो? तुम काम से क्या ले हो, तुम लौंडिया दे रहे हो अपनी, तुम्हारी लौंडिया पल जाएगी बस। अजी सुनो दाजी, यू क्या बात हुई, बताओ इन्हें क्या काम करो हो? तू बताएगा मुझे, अब इनको क्या बताना क्या ना है? तुझे गर्म पानी में उबाल दूँ क्या है जी, अब बताओ। बताना क्या है ये बताओ, काम क्या करते हो आप? काम के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, इसको तो साइड में धर दो और कुछ पूछो। पूछना क्या है, अगर मैंने अपनी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करा दी, अभी तो तुम दूसरी में हो, फिर दसवीं में आ जाओगे, फिर तुम्हारे बालक देखेंगे तुम्हें दसवीं करते हुए। बालक देखेंगे तो देखन दो, हमने बालगन की ऐसे ऐसी मारी है। नालायक थोड़ा कम बोल ले, ऊपर गुस्सा मार दिया ना नक्की छोड़ देगा। बहुत बोल लिया तुम, तुम्हें शाम को बताऊंगा। खाने में आलू टमाटर की सब्जी है क्या? शर्म ना आ रही होगी सब्जी मांगते हुए है? साला मुझे लगा तेरा सारे खानदान मांगता दिखे। ए फालतू बोल रहा तू, गोरव इतने ज्यादा आलू टमाटर की सब्जी लेगा? हाँ जा रहा हूँ, बैठ के सर। वैसे खमखा वैसे हट रहा हूँ मैं, जा तो जा जल्दी सब्जी लेगा आलू टमाटर की। नो बताओ जी, तुम्हें लौंडा पसंद है? बिचौलिए साहब लौंडा तो पसंद है, पर मेरा मन ना मानना। मन तो मान जाएगा, ये दोनों बाप बेटे का मुंह पीटेगा। क्या कह रहा है तू, फिर से बोलिए ना। कुछ ना, मैं तो लौंडा बढ़िया हूँ और तुम देख लो अपने आप। कह तो सही रहे हो तुम। क्या सोच रहे हो रिश्तेदार, कुछ टेंशन मत लियो, तुम्हारी लौंडिया का ख्याल रखेंगे पूरा, पलकों पे बिठा कर रखेंगे पलकों पे। अजिया ये बैठाएंगे पलकों पे, ये बैठाएंगे उसे पलकों पे, ऐसा होता ना मेरी मान भक्ति दूसरे के साथ, ये बैठाएंगे उसे पलकों पे। चुप बैठ जा चुप पिल्ले से। ये लो जी आलू टमाटर की सब्जी। ये क्या सब्जी हो? आलू टमाटर की है और कैसी होती? अरे ऐसी बेइज्जती कर रही है तो मेरी, ये चला जा यहाँ से, अन्नी ऊपर चप्पल फेर दूँ। रिश्तेदार जी तो ये रिश्ता पक्का समझू मैं? हाँ जी, पर मेरी लौंडे को कोई चीज की दिक्कत ना होनी चाहिए, उसका ध्यान रखियो। तुम दिक्कत मत ना ले किसी चीज की, तुम्हारी लौंडिया से बहुत प्यार करूँ मैं, उसे काई चीज की दिक्कत ना होने दूँ, मेरे पर भरोसा रखो तुम। ठीक है जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रिश्ता होगा, मुबारक हो। मुबारक हो जी, मुबारक हो रिश्ता होगा। मुबारक हो जी, मुबारक हो रिश्ता हो। मुबारक हो जी, रिश्ता हो गया। मुबारक हो जी, सुनने दादाजी मुबारक हो, रिश्ता हो गया। गले वाले मिलवा लो इनसे। तुझे एक बात और है। हाँ बताओ क्या बात है।
तू वहां जाके बैठ। अरे बताओ ना क्या बात है, मैं जाके बैठ।